दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। अमृतसर के विजिलेंस विभाग ने बिजली विभाग में कार्यरत एक सहायक इंजीनियर और लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी विजिलेंस नवजोत सिंह ने बताया कि पुनीत करण नामक व्यक्ति की शिकायत पर सहायक इंजीनियर गुरनाम सिंह तथा लाइनमैन दलजीत सिंह को 4500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त आरोपियों ने ट्रांसफार्मर बदलने के एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद जाल बिछाकर विजिलेंस विभाग ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नीत करण सिंह पिंड नंगल गुरु वासी ने अपने ट्रांसफार्मर उदा सड़ गया सी, उन्हें गुरनाम सिंह जेडे जेई आदि को जाके एप्लीकेशन दी। तो गुरनाम सिंह जेई ने ट्रांसफार्मर की एवज मतलब चेंज करने उन्हें 5000 रुपया वो डिमांड किया, जो पुनीत करण ने उन्होंने तरला मिनत किया कि थोड़े घटाओ साढ़े पैसे। तो उन्होंने 5000 तो 4500 रुपये तक आया। फिर उन्होंने पुनीत करण ने साढ़े को आके शिकायत की, असी ट्रैप लाया। ट्रैप के गुरनाम सिंह जेई तो उन्होंने रिकॉर्डिंग्स भी पहले की हुई सी, जिदे जरा है दलजीत सिंह लाइनमैन गुरनाम सिंह ने ड्यूटी लाई कि तू इतों जाके जंडियाले तो जा उतों इन्होंने को पैसे ले ली 4500 रुपये। असी उत्थे जाके ट्रैप लाया तो इन रंगे हाथी दलजीत सिंह असी काबू किया। उस तो बाद जरा दलजीत सिंह के निशानदेही से असी इनू जेई में भी काबू किया वेरके तो।